हाय दोस्तों, मैं अभी लुम्बिनी में हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल ये पावन भूमि लुम्बिनी में हूँ और आप देख रहे हैं लाइव नेपाल चैनल। मैं आपको लुम्बिनी घुमाने के लिए ला रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग जाएंगे कोरियन टेंपल, उसी हिसाब से चाइनीज़ टेंपल, फ्रांस टेंपल। यहाँ करीब 70-80 टेंपल बने हुए हैं। जो मेन है मायादेवी का टेंपल, जहाँ पर बुद्ध पैदा हुए थे, वो टेंपल छोड़ के उसके बाद मेन मार इंडिया, इवन नेपाल का भी अपना टेंपल है, चाइना का है, सारे कंट्री का अपना अपना मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। तो मैं सारे मंदिर घुमाऊँगा आपको। अभी मैं जा रहा हूँ चाइनीज़ टेंपल, उससे पहले नेपाली टेंपल दिखाई दे रहा है। थोड़ा नेपाली टेंपल होते आते हैं, आ जाओ। थोड़ा हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से आपको देखना कैसे है तो दिखाई देंगे। ये नेपाली टेंपल है, आप देखते रहिए, चलते रहिए हमारे साथ, आपको घुमाएंगे सारा नेपाल। आज के पैकेज में विजिट लुम्बिनी, लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म स्थल। आज हम लोग लुम्बिनी में करीब 4 घंटे से मैं पैदल घूम रहा हूँ इधर उधर, ऐसे करके सारे मंदिर का वीडियो बना रहा हूँ। मैं 3 या 4 वीडियो आपको यूट्यूब में डालूंगा, उसके माध्यम से आप लुम्बिनी कैसे आना है, कहाँ बैठना है, क्या खाना है, किस टाइप से घूमना है, सब आपको पता लगेगा। आप देखते रहिए लाइव नेपाल, चलते रहिए मेरे साथ लुम्बिनी। ये मंदिर है, ओके दोस्तों, लाइव नेपाल के विजिट लुम्बिनी पैकेज के अंतर्गत 4th एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभी लुम्बिनी के कोरियन मंदिर पे हूँ। ये कोरियन मंदिर है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है। मैंने आपको बहुत बार बोला है, लुम्बिनी के अंदर करीब 100 मंदिर हैं। जैसे मायादेवी टेम्पल एक मेन मंदिर करके आता है, उसके बाद उसके अंदर 4 माइल पर फैला हुआ ये ज़मीन पर, ये बुद्ध भूमि पे करीब 100 मंदिर है। 100 कंट्री के अपने अपने मंदिर है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बोला, इंडिया का मंदिर है, चाइना का मंदिर है, कोरिया का मंदिर है, इस टाइप का मंदिर है। मैंने आपको 2-3 मंदिर दिखाया, जैसे म्यांमार का मंदिर, इंडिया का मंदिर, नेपाल का मंदिर, जो मायादेवी का जो मेन मंदिर वो मैंने दिखाया। अभी मैं कोरियन टेम्पल पर हूँ, ये कोरिया का मंदिर है, अंदर बिल्कुल कोरियन शैली पर सजाया हुआ मंदिर है। तो ऐसे ऐसे मंदिर बने हुए हैं। मैं अभी शाम का टाइम है, थोड़ा टाइम मेरे पास कम है, मुझे और 10-15 मंदिर घूमना है, तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ लुम्बिनी घुमाने के लिए। आप देखते रहिए लाइव नेपाल। दोस्तों, इसी बीच मैं आपको बता दूँ, गौतम बुद्ध ये शाक्य मुनि के बेटे थे। इनका मावली, जो मामा घर बोलते हैं हम लोग, तो कोलिया दरबार पर इनका मामा घर है, और ये कोलिया दरबार और शाक्य मुनि दरबार के बीच में, कपिल वस्तु के बीच में लुम्बिनी पड़ता है। आपको एक बात बताऊं, करीब 500 साल तक ये बुद्ध भूमि लुम्बिनी जंगल बन गया था, बीच में इसका पता नहीं था। फिर बाद में ईसा पूर्व 249 में, जब मौर्य राजा, जो आप लोग हम लोग महाराज बोलते हैं, बहुत शक्तिशाली थे वो, तो जब उन्होंने इंडिया के अंदर सारा हिंदुस्तान को विजय करना है करके वो जब जब चले थे, उस बीच में जब उनको एक भय हुआ
तो उन्होंने सोचा कि ये मार्ग खराब है, हिंसा खराब है, तो अशोक राजा ने उस टाइम सारा छोड़ के वो बुद्ध मार्ग में चले थे। उस टाइम ईसा पूर्व 249 में जब वो नेपाल आए, लुम्बिनी आए, तो उस टाइम उन्होंने इस क्षेत्र को, यहाँ पर काट मार्ग नहीं होगा, यहाँ पर हिंसा नहीं होगा, ये बुद्ध का भूमि है, ये शांति का भूमि, उन्होंने एक स्तंभ बनाया था, अशोक स्तंभ, जिसको हम अशोक स्तंभ बोलते हैं। उसके बाद अशोक सम्राट जहाँ भी गए, अब वो बुद्ध का अनुयायी बन गए थे। उन्होंने जहाँ जहाँ गए, जैसे बौद्ध गए, चाइना गए, नेपाल आए, इंडिया की बहुत सी जगह पे वो गए, उन्होंने अपना स्तंभ बनाया, एक अशोक स्तंभ करके बनाया, और उसमें लिखा गया, जैसे लुम्बिनी में आपको अशोक स्तंभ मैंने दिखाया, उसमें लिखा गया कि ये बुद्ध भूमि है, यहाँ पर बुद्ध भगवान पैदा हुए थे, और यहाँ पर काट मार करना मना है। तो उसके बाद फिर बुद्ध भूमि का मतलब एक चार्मिंग बड़ा, लोग बुद्ध भगवान के लिए दर्शन के लिए आने लगे, बुद्ध को देखने के लिए आने लगे। उसके बाद लुम्बिनी का मतलब एक महत्व बढ़ता गया। उसके बाद फिर चाइना से आए, अच्छा चीन से बौद्ध गुरु महियान आना, और उसके बाद धर्मगुरु हेनसान आए। तो इसके बाद मतलब ऐसे ऐसे करते करते इसका महिमा बढ़ गया, और लोग को मतलब एक कन्फर्म हो गया कि मतलब बुद्ध भगवान नेपाल में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, और वो पवित्र भूमि ये है करके। आज के हिस्ट्री में आपको बताऊं दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार के हर देश के मंदिर बना हुआ है। जैसे जो ये बुद्ध मार्ग में चलना चाहते हैं, जो बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, जैसे हम लोग हिंदू धर्म के लोग, बुद्ध हिंदू जैन, हम लोग सिख, मतलब एक मार्ग के लोग हैं, हमारे गुरु अलग हैं पर हमारा धर्म एक ही है। तो हम लोग जैसे हमारे देश से सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही अच्छी तरह सजाया गया है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। मैं आपको वो एक एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप देखते रहिए लाइव नेपाल। मैं हूँ अभी बुद्ध भगवान के जन्म स्थल लुम्बिनी पे, देखिए कितना अच्छी तरह से बनाया गया है। कम से कम अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पर कम से कम 4-5 कंट्री के मंदिर बने हुए हैं। इधर बैक साइड में फ्रांस का मंदिर है, आगे जापान का मंदिर है, मतलब इस टाइप से बना हुआ, बीच में कुंड है। ये है बुद्ध परिसर, बुद्ध भगवान का जन्म स्थल लुम्बिनी। आप देखते रहिए लाइव नेपाल, मैं हूँ आपके साथ। देखिए बड़ा स्पेस है, कैसे बनाया गया लुम्बिनी को देखिए, बहुत ही अच्छा है। आपको लगेगा कि अरे हम कहाँ आ गए, ये देखिए ये बुद्ध भगवान का परिसर लुम्बिनी, जहाँ पर बुद्ध भगवान पैदा हुए थे। मैंने आपको 3 वीडियो बना के दिखाया, अभी ये मेरी 4th वीडियो है। अभी शाम का टाइम हो गया, अभी मंदिर में अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है, सारा मंदिर बंद हो गया। मैं किसी दिन आऊँगा और हर मंदिर के अंदर जाके वीडियो बना के दिखाऊँगा। अभी मैं बाहर से आपको वीडियो, मैंने ड्रोन से दिखाया, मैंने मोबाइल से दिखाया, मैंने कैमरे से दिखाया, हर प्रकार से मैंने आपको दिखाया कि आपको लगे हाँ भाई लुम्बिनी ऐसा है, कभी आने का मन करे तो देखने के लिए मेरा वीडियो आपको हेल्प करे। तो अभी मैं बुद्ध परिसर में हूँ, अभी शाम का टाइम है, अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। आप कभी भी लुम्बिनी आना हो तो इस वीडियो को देखिएगा। ये देखिए अभी करीब 50 मंदिर और बनने वाले हैं, 4 माइल में फैला हुआ है ज़मीन। ये बुद्ध परिसर में करीब 100 मंदिर बन चुके हैं और करीब 50 मंदिर बनने के क्रम में है। एक से 2 साल के अंदर ये सारे मंदिर बन जाएंगे और अच्छा होगा, और ही अच्छा होगा देखने के लिए। 2 दिन के लिए आप अगर लुम्बिनी आना चाहेंगे तो सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में थोड़ा मंदिर में घूमने का मज़ा और कुछ है। दिन में थोड़ा गर्मी है, यूपी का टेम्परेचर, दिल्ली का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है। आपको बता दूँ ये इंडिया के बॉर्डर में पड़ता है, नेपाल में, पर इंडिया के साइड में पड़ता है। मैंने वीडियो में भी दिखाया सोनौली से आना कैसा है, इस टाइप का मतलब एक लोकेशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। मान लीजिए आप यूपी के साइड में हैं, उसी हिसाब से आप आइएगा इधर देखने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी नेपाल आना हो, कभी भी बुद्ध भूमि पे आना हो, तो आप यूपी का टेम्परेचर, यूपी का इस हिसाब से आइएगा। मेरे आपके रिक्वेस्ट है, ये नमो शाक्य मुनि बुद्धा लिखा है इस टाइप का। यहाँ पर योगा करने, मेडिटेशन के लिए बहुत ही मंदिर बने अंदर, बहुत ही जैसा ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। 10 दिन का, 15 दिन का पैकेज है,
आप मेडिसिन के लिए, मेडिटेशन के लिए आ सकते हैं, आप घूमने के लिए आ सकते हैं, पूजा करने के लिए आ सकते हैं। तो आप कभी भी लुम्बिनी आइएगा तो इस वीडियो को देखिएगा, इस वीडियो आपको आपको हेल्प करे, लुम्बिनी आने के लिए हेल्प करे, मैं ये चाहता हूँ। अभी शाम का टाइम है, थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे करीब एक घंटे साथ दिया लुम्बिनी घूमने के लिए। अब मैं नेक्स्ट आपको मैं सोच रहा हूँ अब कहाँ ले जाऊँ, मुक्तिनाथ। अभी मोदी जी आए थे नेपाल, तो मैं अब सोच रहा हूँ मेरा नेक्स्ट पैकेज मुक्तिनाथ होगा। आप देखते रहिए लाइव नेपाल। मैंने बार बार आपको बोला है मैं आपको सारा नेपाल घुमाऊँगा। आप लाइव नेपाल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं निकल रहा हूँ लुम्बिनी से। आप कभी भी आना हो और इस वीडियो में कोई भी कमेंट हो या नेपाल के और किसी जगह पे आप जाना चाहते हो, आप मुझे इनबॉक्स कर देना कि मैं, हम लोग को इस जगह देखने का शौक है, हम लोग इस जगह देखना चाहते हैं। आप लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। यह है लुम्बिनी बुद्ध भूमि। आप देखते रहिए लाइव नेपाल। Mani Padme Hum, Mani Padme Hum.